अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब वाजिद है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर कि कैसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारा हो रहा है। मैं कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स डिस्कस करूँगी जिन तरीक़ों से या जिन रेड फ्लैग से हमें ये पता चल सके कि ये एक जो हमारा रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो रहा है। और उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिन तरीक़ों से हम अपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है वो किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। हर वो इंसान जो हमारे करीब होता है या हर वो इंसान जिसकी हमारी लाइफ में बहुत अहमियत होती है, उस इंसान के साथ हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारा स्पाउस हो या हमारा पार्टनर हो या हमारा वाइफ या हस्बैंड हो। इट कैन बी आवर पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। बिफोर डिस्कसिंग कि हम वो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब इंसान हैं और ये इंसानी फितरत होती है कि हम सबको हक होता है गलती करने का। हम सब में खामियां होती हैं, हम सब में फ्लॉज होते हैं और हम सब गलतियां भी करते हैं। तो ये समझ लेना कि अगर एक इंसान गलती कर रहा है तो वो उसका रिलेशनशिप उसकी वजह से टॉक्सिक हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फैक्ट की बात ये है कि ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि कब हमें अगले इंसान की गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कब हम अगले इंसान की गलतियों को या उनके जो इश्यूज़ हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको ओवरलुक कर रहे हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इन दो चीज़ों की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो ये भी इंसानी फितरत होती है कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, उसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, इंसान चेंज होता रहता है। हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बेस पर हम सीखते हैं और फिर हम चेंज होते हैं। हमारे बिहेवियर्स, हमारे मूड, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड्स, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं। लेकिन जब एक इंसान टॉक्सिक हो या एक टॉक्सिक इंसान की निशानी ये होती है कि वो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है, यानी कि वो उसमें चेंज लाने की एबिलिटी नहीं होती है, वो ग्रोथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आसानी से। वो यही कोशिश जो उनके पैटर्न्स बने होते हैं पर्सनैलिटी के, जो बचपन से बने होते हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स के साथ रहते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी के उन पैटर्न्स को चेंज नहीं करते हैं। तो ये एक निशानी होती है उन ऐसे लोगों की जिनके साथ अगर हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर हम आ जाएँ तो उनके साथ गुजारा करना या उनके साथ रहना मुश्किल इस तरह से हो जाता है कि वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसी तरह के कुछ ऐसे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स की लिस्ट है जो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए और ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये वक्त के साथ चेंज नहीं होते, बल्कि ये थ्रू आउट सेम रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। ऐसा भी नहीं होता कि कुछ ट्रांजिएंट बिहेवियर्स शो करें। ट्रांजिएंट बिहेवियर्स से मुराद ऐसे बिहेवियर्स जो सिर्फ तब पॉपअप हों जब एक इंसान किसी बैड पैच से गुजर रहा है या किसी डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहा है, तो सिर्फ तभी एक वो ट्रांजिएंट बिहेवियर का इफेक्ट उसमें शो हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसे इंसान जो हैं सिर्फ ट्रांजिएंट बिहेवियर्स के साथ रहें, वो थ्रू आउट जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे उनकी फितरत होती है, जैसे उनकी नेचर होती है, वो बदलते नहीं हैं। तो सबसे पहली जो बिहेवियर, जो एटीट्यूड है, जो साइन है, जो इंडिकेशन है ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट इज़ क्रॉनिक एंगर। क्रॉनिक एंगर से मुराद के एक जो इंसान है जो टॉक्सिक है आपके लिए, उसके पास पावर होती है आपको कंट्रोल करने के लिए और मूड्स वो दिखाता है आपको, ब्लोअप्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है और ये उसका जो मूड्स होते हैं ये किसी भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से नहीं होते हैं, बल्कि वो एक गुस्सा, उसकी नेचर होती है गुस्से वाली, कंट्रोलिंग नेचर होती है, पावर होती है उसके पास, उसकी ये कोशिश होती है कि वो आपको कंट्रोल करे, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर्स को। तो फिर होता क्या है कि आप हमेशा इसी डर में रहते हो और आप उनके गुस्से के इर्द गिर्द घूमते रहते हो और आप ये कोशिश करते हो कि आप कोई ऐसी गलती ना कर दो जिसकी वजह से उनको गुस्सा आए या कोई लड़ाई हो, और जिसकी वजह से फिर होता ये है कि आप अपने एक्शंस को बार बार जो है वो मेजर करते रहते हो, उनके ऊपर ध्यान देते रहते हो और अपने एक्शंस को देखते रहते हो, बहुत सेंसिटिव रहते हो हमेशा कि कुछ ऐसा ना मैं कर दूं जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाए। और फिर जब उसको गुस्सा आएगा तो ऑफकोर्स आपको पता है कि एक पूरा एक ओवरऑल इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा और हालात ख़राब हो जाएंगे और लड़ाई होगी। तो ये एक पहली निशानी है जिससे हम क्रॉनिक एंगर कहते हैं कि अगला एक रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक तब होता है जब उस रिलेशनशिप में किसी भी पार्टनर की तरफ से, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनकी तरफ से क्रॉनिक एंगर की जो है वो साइन नज़र आ रहा हो। सेकेंड होता है टॉक्सिक कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप कि जब आप बजाय इसके कि आप एक दूसरे से काइंडनेस से या काम रहकर या पोलाइटली बात करो, आप एक दूसरे से इस तरह से बात करते हो जैसे कि आप एक दूसरे को टॉन्टिंग वे में बात करते हो, हमेशा टॉन्ट्स मार रहे होते हो या सार्केज्म कर रहे होते हो या अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो या अगले बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी अच्छाइयाँ या अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताकर अगले बंदे को डिमीन कर रहे होते हैं और अगले बंदे को ये शो करा रहे होते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उनकी हैसियत नहीं है। तो ये एक साइन है कि वो जो आपका रिलेशनशिप है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है, क्योंकि अब जो आपकी कम्युनिकेशन का कंटेंट है वो अच्छी बातों पर नहीं है, वो आप काइंडली या कामली या पोलाइटली बात नहीं कर रहे हो बट इंस्टेड आप जो है उनके साथ टॉन्टिंग वे में बात कर रहे हो, सार्केज्म कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। नेक्स्ट जो साइन है वो ये है कि आप इग्नोरिंग योर ऑन नीड्स, कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं और आप सब अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं, आपको कोई होश नहीं रहती आप अपने आप की, यू स्टॉप केयरिंग अबाउट योर सेल्फ और आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि आपकी नीड्स क्या हैं या आपकी विशेस क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं। ऑल यू केयर अबाउट इस कि अगला बंदा क्या सोच रहा है या मैंने उसको किस तरह से खुश रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा है और लेकिन आपके जो पार्टनर है जो वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, बट इंस्टेड आप अगर आपकी चाह भी नहीं है बट स्टिल अगर आप वो काम कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप अपनी नीड्स को जो है वो इग्नोर कर रहे हो और अगले बंदे की नीड्स को प्रायोरिटी पे रख रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। हम ये समझ लेते हैं इस तरह से कि चलो मैंने अपनी ख्वाहिशात को मार देता हूँ तो अगला बंदा खुश हो जाएगा, इस तरह से रिलेशनशिप बच जाएगा, लेकिन इस तरह से रिलेशनशिप बचता नहीं है बल्कि एक गैप आ जाता है और चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो चुका है क्योंकि अब इसमें आपको अपनी कोई परवाह नहीं रही, अपना कोई ख्याल नहीं रहा। नेक्स्ट जो होता है वो इंडिकेशन जो एक और टॉक्सिक रिलेशनशिप का है वो है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर्स। कंट्रोलिंग बिहेवियर से मुराद कि अगला बंदा आप पे हमेशा चेक एंड बैलेंस रखता है, इनसिक्योर होता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, ये हर चीज़ की खबर उनको होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपसेट हो जाएंगे और इस चीज़ का ब्लेम वो आपको देंगे कि आपकी वजह से मैं अपसेट हुआ हूँ या आपने मुझे अपसेट किया है क्योंकि आपने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, अपडेट नहीं रखा है, तो ये आपकी गलती है। तो इस तरह से वो आपको ये शो करा रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है और मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे ये नहीं बताया। हालांकि इस तरह का चेक एंड बैलेंस रखना और इनसिक्योर होना दैट इज़ अ साइन कि वो जो इंसान है वो टॉक्सिक है और रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो रहा है। नेक्स्ट जो इंडिकेशन है वो है मैनिपुलेशन की, कि जो अगला इंसान है वो आपको मैनिपुलेट इस तरह से करता है कि आपकी गलती होती भी है या नहीं होती है लेकिन फिर भी वो आपको गिल्ट ट्रिप में ले जाते हैं। इससे मुराद ये कि आपको वो आप ही के एक्शंस के ऊपर शर्मिंदा फील कराते हैं इस तरह से कि आपने ही कुछ गलत किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, अपनी नीड्स को या अपनी अच्छाइयों को वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते हैं और ये खुद से ये कह अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने सब कर लिया अच्छा, लेकिन आपकी तरफ से हमें कोई इनपुट नहीं मिला। तो दैट इज़ अ साइन कि वो एक इंसान जो है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी नीड्स को यूज़ कर रहा है और दैट मीन्स कि वो रिलेशनशिप जो है वो अब टॉक्सिक हो चुका है। नेक्स्ट होता है कि गोइंग बियॉन्ड योर अपॉलॉजीज़, आप ज़रूरत से ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हो, आपने कुछ गलत किया भी नहीं है या आपकी कोई गलती है भी नहीं बट फिर भी आप माफ़ी मांग रहे हैं जस्ट बिकॉज के रिलेशनशिप बच जाए और लड़ाई झगड़ा ना हो और अगले बंदे को गुस्सा ना आए और आप माफ़ी मांग रहे हो। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले लेते हैं कि आपका पार्टनर आपको कहता है कि आप किसी भी कलर में, फॉर एग्जांपल पर्पल कलर में अच्छे नहीं लगते हो, नेक्स्ट टाइम ही सीज़ यू वेयरिंग द पर्पल कलर, और उसके बाद होगा क्या कि वो आपको इस तरह से आके आपको कमेंट करेंगे कि अगर तुम्हें वाकई में मेरी परवाह होती तो तुम पर्पल कलर मत पहनती। तो इस तरह से वो आपको शर्मिंदा फील कराने लग जाते हैं और फिर आप बार बार उनसे माफ़ी मांगते हो सिर्फ अपने बिहेवियर्स के लिए कि मेरे से गलती हो गई, मैंने पर्पल कलर पहन लिया या कोई भी रंग पहन लिया, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी। तो दैट मीन्स कि वो इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो चुका है, वो रिलेशनशिप जो है वो अब टॉक्सिक बन चुका है। ये कुछ साइंस हैं, इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स हैं जिससे एक रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, और ये पहचानना और इन साइंस और इंडिकेशंस को रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तरीक़ों की जिन तरीक़ों से हम अपने रिलेशनशिप को जो एक टॉक्सिक है उसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप एक मेंटेन अ डिस्टेंस और स्पेस फ्रॉम योर पार्टनर, दैट मीन्स कि आप टाइम लें अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, और टाइम इस चीज़ के ऊपर टाइम लें, आप सोचें कि आप कहाँ पे गलत हैं, अगला बंदा कहाँ पे गलत है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें, एक इमोशनल स्पेस क्रिएट कर लें जो कि बहुत ज़रूरी होती है। आप अगले बंदे को ये तरीके से बता भी सकते हैं अपने पार्टनर को कि एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ हम सब इंसान हैं, हम सब की इंडिविजुअलिटी है, हम सबको अपना टाइम जिसे मी टाइम कहते हैं वो उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो तरीका है जिस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं वो ये है कि आप एक इमोशनल स्पेस ले लें, एक ब्रेक ले लें फ्रॉम दैट रिलेशनशिप फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई से ठीक नहीं हो जाती हैं, थिंग्स टेक टाइम और बहुत वक्त लगता है चीज़ों को ठीक होने में। तो अपने आप को भी वक्त दें, अपने रिश्ते को भी वक्त दें, और उस इंसान को जो आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है उसको भी वक्त दें। जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं वो ये है कि जो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है उसको आपने अच्छा बनाना है, इनसेंसिबल कम्युनिकेशन करनी है, इन द सेंस कि आपने साइलेंट नहीं रहना या आपने टॉन्ट्स नहीं करने, आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपने उनको डिमीन नहीं करना, बल्कि कम्युनिकेशन इस तरह से करनी है ताकि दोनों को एक दूसरे का मतलब समझ में आए और ये समझ में आए कि कहाँ गलती किसकी है और कहाँ गलती किसकी नहीं है। और इस तरह से जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। कम्युनिकेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर ये है कि आप आई स्टेटमेंट्स यूज़ करके अगले बंदे से कम्युनिकेट करते हो, बजाय इसके कि आप ये कहें कि तुम्हारी गलती है या तुमने गलत किया है। आप इस तरह से इस जुमले को कह सकते हो कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी कहीं पे गलती है, मतलब आप जो है उसमें आई स्टेटमेंट लाजमी लेकर आते हो, आई का वर्ड यूज़ करते हो, जिससे अगले बंदे को ये मैसेज जाता है कि गलती जो शायद वाकई में मेरी है। और इस तरह से आप पोलाइटली असर्टिवली अगले जब कम्युनिकेट करते हो तो दैट मीन्स कि आप अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। थर्ड जो तरीका है जिस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं वो है कि बी अकाउंटेबल फॉर योर ऑन एक्शंस, अपने एक्शंस को लेकर एक्सेप्ट करें कि हाँ आपसे गलती हुई है या आपने गलत किया है, और उनके ऊपर फिर वर्क करने की कोशिश करें। और इस तरह से आप जो हैं जब आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आधा ही जो फाइट्स होती हैं उनके ऊपर ठीक करने की या वर्क करने की एफ़र्ट डाल रहे होते हैं। तो इस तरह से शो अगले बंदे को हो जाता है कि हाँ अगर उसकी गलती है तो आप उसको भी बताएं कि बी अकाउंटेबल फॉर दैट, और अगर आप ही गलती है तो ऑलवेज बी अकाउंटेबल फॉर दैट। अपने रिलेशनशिप में प्रेजेंट रहें, अपने रिलेशनशिप में इंगेज रहें और एक हेल्दी कम्युनिकेशन का वे जो है वो ऑप्ट करें। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। प्रोफेशनल हेल्प से मुराद कि आप कपल थेरेपी में आ सकते हैं, या आप अगर आपका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ टॉक्सिक है तो आप एक फैमिली थेरेपी में आ सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ है तो आप फैमिली थेरेपी में आ सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प से फ़ायदा बहुत होता है, बिकॉज आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलती है कि किन तरीक़ों से आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सको, कि आपकी गलती कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपने रिलेशनशिप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये डिस्कशन थी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और आप इसके ऊपर वर्क करें। थैंक यू।